अच्छी है लेकिन मैं मुंबई में नहीं था, एज आप लोगों को मालूम है कि मैं बिग बॉस की घर थी और अभी मुझे एक स्क्रीनिंग दोस्त के लिए और बिग बॉस मेरा जो हाउस में था वो लोग के लिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छी है, स्पेशली मेरे लिए पिक्चर में आई हैवन सीन द पिक्चर, लेकिन लोग बोलती है कि ऐसे ही नहीं लगते कि आप इंडियन नहीं हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। और मेरा जो फैंस है वो लोग पिक्चर को बहुत पसंद आए हैं, बहुत वो लोग बोलती है कि मैं बहुत प्यारी लगती हूँ, तो लेट्स सी आई एम गोना वॉच द मूवी नाउ। टेल अस अबाउट द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एज आई सेड कि ऐसे ही नहीं लगती है कि मैं इंडियन नहीं हूँ।
it's very convincing for them that I'm from here. किसने दिया best compliment? मेरे fans. Yes, अपने fans. और ये film और किसी को दिखाना चाहती हैं? हाँ जी, मेरा वो जो दोस्त है, क्योंकि मैं घर के अंदर थी 105 दिन के लिए, तो मेरा जो housemates है, घर के बाहर हम दोस्त बनाए, तो इसलिए I want them to see the picture with me. Yeah. Screening के बारे में बताइए, screening क्यों रखी है and why did you decide to call? Yeah, because अभी 3 महीने हो चुकी है कि आई हैवंट मीट एनी वन, आई हैवंट सी ऑल एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने फिल्म भी अभी तक नहीं देखा है. तो आई वॉन्ट टू हैव अ स्क्रीनिंग विद ऑल माई फ्रेंड्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम टू वॉच विद देम. प्लस मेरा जो बिग बॉस का हाउसमेट है वो भी नहीं पिक्चर नहीं देखा है, और वो लोग भी शामिल थी, मेरा वो जो घर के अंदर वो जो प्रमोशन थी उसके शामिल थी, तो आई वॉन्ट देम टू सी द पिक्चर विद मी. यस, थैंक यू गाइज, थैंक यू. हाँ जी, मैं फिल्म एक्चुअली अभी तक तो हम बिग बॉस के घर में इतना बिजी थे, नाउ आई एम गोना वॉच, आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं मन्ना को देखने वाली हूँ. एंड या हम लोग बातें किया करते थे, यानी एवरी टाइम मन्ना मुझे बताती थी बिग बॉस के घर में कि मुझे ये फिल्म कैसे मिली और क्या मस्ती हम लोग करते थे. सो या आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं मन्ना को फाइनली ऑन स्क्रीन देखने वाली हूँ. रियली एक्साइटेड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. कंग्रेचुलेशंस बेबी, योर फिल्म इज़ डूइंग वेरी वेल. क्या कूल हैं हम, एंड आई एम श्योर आई एम गोना बी ऑल गोना हैव फन. बिग बॉस खत्म हो चुका है, उसके रिजल्ट आ चुके हैं, अभी माई नेक्स्ट इज एम स्टार्ट माई अनदर फिल्म विच इज़ जिसका लॉन्च मेरा फेब में होने वाला है, एंड देन आई स्टार्ट शूटिंग इन मार्च. अभी आई जस्ट जॉइन BCL, तो मैं BCL में थोड़ा बिजी होने वाली हूँ. आई एम ट्रैवलिंग टुमारो सॉरी BCL का प्रमोट करने के लिए, एंड आई हैव सम एक्साइटिंग. एक रियलिटी शो खत्म होने के बाद नाउ मेरे पास कुछ और ऑफर्स रियलिटी शो के आए हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड. लेट्स सी व्हाट आई एम गोना साइन. सो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट एंजॉयिंग द फेम एंड शूटिंग अ बिट माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. जब सुपर कूल है थ्री जैसी किसी फिल्म में अगर आपको काम करने का मौका मिलता है, इस किरदार किस तरह के किरदार के लिए तो मुझे उसके लिए मुझे पहले फिल्म देखनी पड़ेगी किस तरह की फिल्म है ये, बिकॉज अभी तक मुझे फिल्म का एक्चुअली मैंने ढंग से प्रोमो भी नहीं देखा है. सो दैट्स व्हाई मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि फिल्म मुझे देखनी है, एंड आई थिंक फिल्म ख़त्म होने के बाद मैं बता पाऊँगी कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए. बट आई एम रियली एक्साइटेड. देयर इज़ तुषार, ही इज़ अ फ्रेंड, एंड आई विश तुषार, आफ्ताब एंड मंदना लॉट ऑफ गुड लक, एंड आई एम श्योर दे गोना हैव लॉट ऑफ फन इन द फिल्म, यू नो दे हैड व्हाइल शूटिंग. सो Yeah, so I'm waiting, really excited for the film ki kaisi hogi. Achhi hogi, I'm sure. So yes, here I go. Thank you. What do you want me to say? नहीं, मैंने मूवी का ट्रेलर ज़रूर देखा है, और मूवी का ट्रेलर देख के मन किया कि मूवी ज़रूर देखूं, क्योंकि आई थिंक ये इंडिया में एक अलग तरह की मूवी है और इसके लिए भी जगह है हमारे देश में, तो मेरा मन था ये आके मूवी देखना, और डेफिनेटली मैं मंदना को भी सपोर्ट करना चाहती थी. जब आप कोई फिल्म देखने जाती हैं तो अपने दोस्तों के साथ में चाहती हैं, किसके साथ देखना चाहती हैं? मैं एक्चुअली फिल्में अकेले देखना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि अकेले फिल्म देखने से आप फिल्म को बिना किसी के बोले या बिना किसी का फ़ोन बजे अपने आप देख सकते हैं और फिल्म को अपने आप इवेल्युएट कर सकते हैं. अदरवाइज यूजली मैं फ्रेंड्स या अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ मूवीज देखने. क्या सुपर कूल है थ्री जैसी अगर फिल्म में, किसी ऐसी फिल्म में अगर आपको काम करने का मौका डेफिनेटली मैं ऑस्ट्रेलिया में एक कॉमेडियन रही हूँ, और मैं काफ़ी सेक्शुअल कॉमेडी भी कर चुकी हूँ अपने करियर में, तो इसलिए आई एम ऑलवेज ओपन टू अ मूवी लाइक क्या कूल है हम थ्री. कोई ऑफर वगैरह है अभी, क्या है बिग बॉस का फ्री है? अभी मैं सब कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन कोई कोई बातें हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनके बारे में मैं लोगों से बातचीत कर रही हूँ. तो अभी डॉटेड लाइन पे मैंने साइन नहीं किया, इसलिए अभी बोलना बहुत जल्दी है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं मेरी तरफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. से 3 महीने के बाद आइए, कितना फ्री महसूस कर रही है?
एक्चुअली आज बहुत बिग बॉस का याद आ रही थी और आई एम मिसिंग बिग बॉस सो मच. लेकिन 105 दिन के बाद मैंने ऐसे ही फील किया कि वो घर मेरा घर है, अपनी घर है, और वो जो लोग हैं वो लोग अपनी हैं, जो भी है बुरी है और अच्छी है. एंड आई फील गुड टू बी बैक, आई फील गुड टू बी पार्ट ऑफ माई फिल्म. एंड फाइनली आज मैं अपनी पिक्चर को देख सकती है और आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. हाँ जी, वेल जब मैं घर के अंदर थी, मेरा जो हाउसमेट है, ये लोग मेरे पिक्चर के बारे में बात किया कि ओ इट वुड बी फन इफ़ यू कैन वॉच इट टुगेदर. तो मैंने डिसाइड किया कि जब मैं बाहर आऊँगी, मैं जब तक ये स्क्रीनिंग नहीं है तो आई एम गोना वेट अंटिल आई कैन वॉच इट विद माई हाउसमेट. तो आज मेरा बिग बॉस का हाउसमेट है यहाँ, मेरी फैमिली है, दोस्त है, सब लोग यहाँ है. एंड आई हैवंट सीन द मूवी सो आई वांट टू वॉच द फिल्म विद देम. यस डेफिनेटली आपके क्लोज वंस हैं, बट डू यू मिस तुषार एंड आफताब प्रेजेंस? Yes, I do miss them, but unfortunately, actually they have organized, Tushar have organized this screening for me and for my friends, but unfortunately he couldn't make it because I think he's busy with another screening, so that's why he couldn't make it, yes. Big Boss ke baad aapke kaun se projects aane wale hain? बिग बॉस के बाद अभी के लिए मैं बहुत खुश हूँ. आई एम एंजॉयिंग द अटेंशन, आई एम एंजॉयिंग द लव दैट आई एम रिसीविंग फ्रॉम माय फैंस. एंड हमारा पिक्चर जस्ट नाउ रिलीज हो गई है, तो फॉर नाउ आई एम जस्ट एंजॉयिंग एंड लविंग माय टाइम आउट ऑफ द हाउस. एंड इंशाल्लाह वी सी सून व्हाट्स गोना कम नेक्स्ट फॉर मी. थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू.